अलैकुम, कैसे हैं जी साहब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम हैं जी इस वक्त नीदरलैंड के सिटी डेन हाग में, और यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा सिटी, इनका जो है सिटी टूर करेंगे डेन हाग का, और साथ में हम यहाँ का जो फेमस बीच है वो देखेंगे। तो वो बीच जो है वो बहुत खूबसूरत है, इन्होंने बनाया, बहुत ही खूबसूरत है, वो मिस नहीं करना चाहिए। जो भी आना चाहे ज़रूर देखें। और इसके अलावा जी साथ में हम करेंगे थोड़ा सा बात, जो स्टूडेंट आ रहे होते हैं दूसरे कंट्रीज से, जो पाकिस्तान से बेसिकली, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा बच्चों को शौक़ पैदा हुआ है आने का, और इंडिया से तो खैर काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं, हमारे सिटी में भी काफ़ी ज़्यादा आईटी के जो हैं स्टूडेंट्स वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आते रहते हैं। तो जी स्टार्ट का जो टाइम है उसमें आपके पास जैसे स्टार्ट के जो तीन महीने होते हैं उतने आपके पास जो है 400 से 500 यूरो तक मस्ट होना चाहिए आपके पास, कि हर मंथ आपको इतने चाहिए ही होते हैं। मिनिमम इतने आपको चाहिए होते हैं हर मंथ जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हो, क्योंकि आपको जो रेंट देना होता है वो मस्ट है। इसके अलावा अगर आप बीमार हो जाते हैं, मेडिकल जो है आपका वो मस्ट होता है, मेडिकल इंश्योरेंस वो थोड़ी बहुत आपको देनी पड़ती है। इसके अलावा जो आपने खाना पीना है वो उसमें आप जो है वो कर सकते हैं, अगर आप समझदार हैं, अगर जाहिर है समझदार है तो वो ज़रा ध्यान से खर्च करेगा, अगर किसी को बिल्कुल नहीं पता तो उसके लिए मुश्किल होगी उसको समझनी। ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो है वो मोस्टली माएँ दे रही होती हैं खाना, और माओं ने ही लाना होता है सारा कुछ, तो वो बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को उस तरह से सेंस नहीं इतनी ज़्यादा होती, तो वो थोड़ा सा उनको ज़रा मैनेज करने में, खाने पीने में मैनेज करने में मुश्किल हो सकती है थोड़ी बहुत। लेकिन ये कि 400 से 500 यूरो मिनिमम होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा ये कि आते ही आके जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे वो फिर जॉब वगैरह ढूंढते हैं, और उनको ढूंढनी पड़ती है ज़ाहिर है साथ साथ। और फिर ये कि अगर बाज़ दफ़ा माँ बाप जैसे अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर तो उनको ज़रूरत नहीं है ज़ाहिर है, तो अगर ये कि माँ बाप नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर ज़रूर जॉब करनी चाहिए, बच्चों को आते ही ढूंढनी चाहिए। जब आप आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं उसके बाद में आपको पता चल जाता है कि मेरे पास कितना टाइम है, तो उस टाइम में आपको अपनी जॉब ढूंढनी चाहिए। और जॉब ढूंढने के लिए भी यहाँ पर बहुत हेल्प करते हैं, जैसे मेरी जिन भी स्टूडेंट से बात हुई थी इधर, वो कहते हैं कि बहुत हेल्पफुल हैं सारे, और जब आप अच्छा पढ़ रहे होते हैं, आप मेहनत कर रहे होते हैं, तो जो आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं और हेल्प भी बहुत करते हैं, तो जॉब के लिए बहुत हेल्प करते हैं यहाँ पे। यानी सारे वो आपको जो भी आपके टीचर्स होंगे या आपके कोलीग्स वगैरह होंगे यहाँ के भी होंगे, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और उसके अलावा ये कि इंग्लिश जो है वो यहाँ पे इंग्लिश में आप जो है आपको जॉब वगैरह जब आप करते हैं तो इंग्लिश वो सारे बोल लेते हैं, वो वहाँ पे आपको जॉब में इतनी कोई मुश्किल नहीं होती। तो उसके अलावा ये है कि उसके बाद में भी जब आपने स्टडी वगैरह कर लिया होता है तो तब भी आपको यहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं, आपके जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, जो भी आपने पढ़ा होता है उससे रिलेटेड जॉब भी मिल जाती हैं, और आपको कोई मुश्किल नहीं होती यहाँ पे सेटल होना भी इतना मुश्किल नहीं होता जब आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जितने अच्छे हैं इन मामले में, जो जॉब करता है, जो मेहनत करता है, जो इन पर बोझ नहीं है, ये उसकी बहुत हेल्प जी। तो परेशान नहीं हो, मेहनत करें, और मेहनत जो भी करता है वो उसको जो है एंड में सक्सेस जो है ज़रूर मिलती है। और अगर आप आना चाह रहे हैं एज अ स्टूडेंट, ज़रूर आएँ। कुछ टाइम आपका जो है वो मुश्किल का होता है स्टार्ट का, लेकिन फिर बहुत थोड़ा टाइम जो है वो मुश्किल का होता है, लेकिन उसके बाद में आपको जो है समझ आनी शुरू हो जाती है जगह की, आपके लिए फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो वापस आते हैं जी हम यहाँ पे बीच में। तो ये है जी बीच का स्टार्ट वाला एरिया, यहाँ से गुजर के जो एंड में वो बिग व्हील जो है, हम तो उसको रीजन रॉड कहते हैं, वो है। और स्टार्ट में जो बच्चे हैं अगर आपके छोटे तो आपको बहुत तंग होंगे, आप जगह जगह पे आपको बच्चों के खिलौने, कॉस्ट्यूम्स, चॉकलेट्स और पता नहीं क्या क्या नज़र आएगा, फिर बच्चे आपको खड़ा होकर तंग भी करेंगे बहुत, तो बस आपने जी चलते जाना नाक के सीध में, एंड में आपको वो रीजन रॉड जो है वो बिग व्हील वो नज़र आ जाएगा, फिर आप उधर जाएं और बैठें और इन्जॉय करें। और ये देखें जी, ये बहुत अच्छा सा व्यू ऊपर से नज़र आता है, जब आप उसमें ऊपर आ जाते हैं तो बहुत अच्छा सा व्यू नज़र आता है। तो
साथ में ये वाला ये देखें जी, ये बच्चों का काफ़ी एरिया है, प्ले एरिया, और इस वक्त तो ये बंद था, तो मेरे ख़्याल में ये समर में खुलता आएगा, क्योंकि हम तो समर में नहीं गए, तो इस वजह से ये बंद था इस टाइम में। और बहुत अच्छी जगह है, अगर आप लोग आना चाह रहे हैं तो ये वाली मिस ना करें, यहाँ पे बीच में ये वाली जगह में ज़रूर आएँ, बहुत खूबसूरत है, बहुत बच्चे इंजॉय करते हैं इस जगह में। और ये देखें जी, यहाँ से भी ये व्यू काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।